राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल क्यूट कानाची में। तो आज मैं आप सबको बनाना सिखा रही हूँ शरद पूर्णिमा के रिगार्डिंग व्हाइट कलर की ड्रेस, जिसको आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे इजीली बना पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए ड्रेस का बेस, जिसको आप घर पर भी बना सकते हो और मार्केट से भी परचेस कर सकते हो। सेकेंड नंबर पर हमें इस टाइप के जो स्टोन्स चाहिए, इसमें आप साइज़ कोई भी ले सकते हो, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm तक के ये वाले जो साइज़ का आता है। और थर्ड में हमें ये वाला जो फ्लावर चाहिए, तो ये वाले जो फ्लावर्स मैंने ले लिए हैं, ये भी आपको मार्केट में से इजीली मिल जाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें, यानी कि एक बेस, एक ये वाला जो है फ्लावर, और एक इसके साथ ये वाले स्टोन, 3 चीज़ें ये ली है, और एक साथ में ली है मैंने ग्लू गन। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप कोई भी ग्लू, फेविबोन, फेविस्टिक, फेविकोल वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है, ये जो मैंने फ्लावर्स लिए हैं इनको मैंने पूरी की पूरी बाउंड्री पर लगाना है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इन फ्लावर्स को अच्छे से बाउंड्री पर बिछा लेती हूँ, ताकि मेरी एंड पॉइंट पे जो भी स्पेस है वो मैं कवर कर पाऊँ। अगर मेरी जो है स्पेस बहुत कम रहेगी तो उसके अंदर एक जो है फ्लावर प्रॉपर फिट नहीं हो पाता है, तो उसके कारण हमें जो है हल्का हल्का या तो स्पेस छोड़ देंगे, या फिर ये फ्लावर जो है हल्के हल्के और क्लोज करके हम लगा देंगे। तो सबसे पहले हमारा मोटिव क्या रहता है कि हमने जो भी बाउंड्री पर हम काम कर रहे हैं, जो भी साइज़ के लिए आप जो ड्रेस बना रहे हो, उसका बेस हमने लेना है और फ्लावर्स लेने हैं। और फ्लावर्स को मैंने कुछ इस तरह से एक जो है बाउंड्री के ऊपर रख लेना है। तो जैसे ही मैं बाउंड्री के ऊपर सारी के सारे जो फ्लावर्स रख लेती हूँ, तो वहाँ यहाँ का जो हमें स्पेस पता चल जाता है कि यहाँ पे स्पेस बच रहा है या नहीं बच रहा, तो जो ड्रेस की लुक है वो अच्छी लगती है। उसके कारण कि हमने जो सेम स्पेस छोड़कर अपना जो फ्लावर्स को कवर किया हुआ है, तो उसी के कारण हमने सबसे पहले फ्लावर्स को रख कर देखना है कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी जो स्पेस नहीं बची, तो ये दी बेस्ट काम हो गया कि हमारा जो है स्पेस अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, वन करके फ्लावर्स को उठाना है, और देन हमने जो है इसके ऊपर ग्लू लगाकर इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से जो हम अपने सभी फ्लावर्स को कवर कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही हमने हल्के धीरे धीरे अपने जो है बेस को हिलाना है, या फिर जो आप अपनी साइड चेंज करके जो है बाकी के फ्लावर्स पे ग्लू लगाकर इनको पेस्ट कर लीजिए। तो इसी तरह से मैंने सभी फ्लावर्स को पेस्ट कर लेना है फटाफट से। तो ये देखिए, ये मेरे हो गए हैं ऑलमोस्ट जो फ्लावर्स पेस्ट, ये 4 फ्लावर्स और रह गए हैं। तो यहाँ पे मेरे जो है सभी फ्लावर्स बेस के अराउंड मैंने पेस्ट कर दिए हैं। अभी हमने क्या करना है, जैसे ही जो है फ्लावर्स पेस्ट हो जाते हैं, तो बाउंड्री जो ड्रेस की है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्टोन्स लगाने हैं, ये वाले जो मैंने यहाँ पे लिए थे 10 mm के, 10 या जो भी आपके पास साइज अवेलेबल है या आपको मार्केट से इजीली मिल जाए वही साइज़ आपको लेना है। तो ये वाला जो स्टोन मैंने कुछ इस तरह से लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस को छोड़कर हमने ये वाले जो स्टोन पेस्ट कर देने हैं। तो ये हो गया हमारा स्टोन वाला काम, ये देखिए। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमने जो चोली वाली साइड में, मतलब वेस्ट बेल्ट वाली साइड में और ज़्यादा हैवी लुक देने के लिए हमने एक फ्लावर यहाँ पे और एक यहाँ पे लगा देना है, उससे क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम फ्लावर्स जो है 2 फ्लावर्स को ये दोनों साइड में पेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही ये हमने पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे एक स्टोन और एक स्टोन इधर वाली साइड हम और लगा लेते हैं। तो अभी आप देखिए, ये वाली जो पोशाक है वो बनकर रेडी हो चुकी है। जब हम अपने ठाकुर जी को पहनाएंगे कुछ इस तरह से, तो ये वाली जो पोशाक का जो मैंने 2 फ्लावर्स लगाए वो बहुत अच्छा लुक देते हैं, प्लस ये जो स्टोन है वो उनके साथ में बिल्कुल जो है वेस्ट बैंड वाली साइड में बहुत अच्छी जो है खूबसूरत मतलब नज़र आते हैं। तो
तो ये थी आज की हमारी पोशाक शरद पूर्णिमा के रिगार्डिंग। इसके साथ कि आप मैचिंग पगड़ी बनाइए और अपने ठाकुर जी को सुंदर तरीके से पहनाइए, और बहुत कम कॉस्टिंग में ये जो ड्रेस है वो बनकर रेडी हो जाती है। तो कैसी लगी आज की आपको वीडियो, होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।